एक घना जंगल था। उस जंगल में पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था। पीपल के उस पेड़ की एक डाल में खोखर बनी हुई थी। उस खोखर में एक गिलहरी अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, गिलहरी का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और पीपल का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा जिसके खोखर में गिलहरी रहा करती थी। पेड़ के गिर जाने से गिलहरी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, पेड़ के गिर जाने से मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर कोई नया घर बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूं, कहां जाऊं? तभी वहां हरियल तोता आ गया और कहने लगा, गिलहरी बहन, लगता है तुम इस पेड़ के गिर जाने से परेशान हो। हाँ भैया, इस पेड़ की खोखर में मेरा घर था, अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन, हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लो। हाँ भैया, दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। गिलहरी घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। गिलहरी को एक आम का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर गिलहरी पेड़ की डाल पर नया घर बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा में एक लंगड़ा बिल्ला यानी बिलाऊ रहा करता था। ये बिल्ला बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना बिल्ले का पुराना पेशा था। एक बंदर के साथ मारपीट करने में ही बिल्ले की टांग भी टूट गई थी। ये बदमाश बिल्ला हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। गिलहरी को घर बनाते हुए बिल्ला बड़ी चौकन्नी नजरों से देख रहा था। दो तीन दिनों की मेहनत के बाद गिलहरी ने अपना नया घर बनाकर तैयार कर लिया। अब गिलहरी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती गिलहरी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश बिल्ला ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, गिलहरी अपना भोजन लेकर आई तो बिल्ला गिलहरी के पास आकर बोला, हे गिलहरी, तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है, अरे कभी कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो, मांग कर खाने की क्या जरूरत है। गिलहरी बिल्ले को टका सा जवाब देकर अपने घर में चली गई और बिल्ला गुस्से से छटपटा कर रह गया। इसी तरह दो हफ्ते गुजर गए और गिलहरी ने दो बच्चों को जन्म दिया। गिलहरी अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और बिल्ला अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ गिलहरी और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब गिलहरी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ, तुम दोनों घर में ही रहकर मेरे लौटने का इंतजार करना। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। गिलहरी खाना लाने चली गई और बिल्ला अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। तीन चार घंटों के बाद जब गिलहरी खाना लेकर वापस आई तो अपने दोनों बच्चों को घर से गायब पाया। अरे
मेरे बच्चे कहाँ चले गए? चुन्नो मुन्नो, तुम दोनों कहाँ हो? आओ मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चुन्नो मुन्नो। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिले तो गिलहरी बहुत परेशान हो गई। वो बिल्ले के पास आई और उसने पूछा, बिल्ले भैया, क्या क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घर से कहीं चले गए हैं। हाँ, तेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत हैं, और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तू मेरा कहा मानेगी। बदमाश बिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का अपहरण करने की? आखिर तुम उससे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे वापस चाहिए तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। उस दिन के बाद से गिलहरी हर रोज बिल्ली के लिए खाना लाने लगी। बिल्ला मुफ्त का खाना खाकर होंठों पर जीभ फिराता और डकार लेकर अपनी गुफा के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। एक दिन गिलहरी ने बिल्ले से कहा, बिल्ले भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। बिल्ला गुस्से से गुर्रा कर बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। गिलहरी डर गई और वापस अपने घर में आ गई। गिलहरी का पति भी अब वापस लौट आया। गिलहरी ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, वो बिल्ला बड़ा ही दुष्ट और बदमाश है। उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त सियार की मदद लेनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन सियार के पास जाओ। गिलहरी की बात सुनकर उसका पति सियार के पास गया और अपनी दोस्त सियार से मिलकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सियार ने कहा, अरे मैं उस बिल्ले को पहले से जानता हूँ, वो पक्का बदमाश है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर सियार गिलहरे के साथ चल पड़ा और बिल्ले की गुफा पर आ गया। गिलहरी भी वहां पहुंच गई। सियार गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन, तुम उस बिल्ले को आवाज देकर गुफा से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। गिलहरी ने बिल्ले को पुकारा, बिल्ले, ओ बिल्ले, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बिल्ला गुफा से जैसे ही बाहर आया वैसे ही सियार ने बिल्ले को दबोच लिया और कहने लगा, क्यों बे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ है इसके बच्चे? सियार भाई, इनके बच्चे सही सलामत गुफा के अंदर हैं। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गिलहरी बहन, तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इस बिल्ले की गुंडागर्दी निकालता हूँ। गिलहरी गुफा के अंदर चली गई और सियार बिल्ले की पिटाई करने लगा। सियार बिल्ले को उठा उठा कर जमीन पर पटकने लगा। बिल्ला मार खाकर अधमरा हो गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, अब फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो सियार भाई। तभी गुफा के अंदर से गिलहरी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। बिल्ले ने कहा, देखो देखो, गिलहरी के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। सियार भाई, अब तो मुझे छोड़ दो। बिल्ला हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। गिलहरी सियार से बोली, सियार भैया, आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चे वापस मिल पाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन,
मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। अब तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। गिलहरी का परिवार अपने घर की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं।